नमस्कार दोस्तों दोस्तों जब मैंने मेरे ट्रेडिंग करियर की स्टार्टिंग की इतना तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 5,000 रुपये का अकाउंट में डालूं और उनसे ट्रेडिंग सीखूं। तो दोस्तों उस वक्त मेरे पास मात्र एक सहारा था, पेपर ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग। तो दोस्तों पेपर ट्रेडिंग तो सभी लोग करते हैं, तो फिर सब लोग ऐसे बोलते हैं कि इससे हमारी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती। लेकिन दोस्तों मैंने मेरी पेपर ट्रेडिंग को इस तरीके से मॉडिफाई किया था कि मैं जब भी ट्रेड करूँ ना तो वो एक रियल ट्रेड महसूस हो मुझे, ठीक है। तो उसी वजह से मेरी ट्रेडिंग ना इतनी इम्प्रूव हुई थी। आज की इस वीडियो में आपको मैं वही तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि आप पेपर ट्रेडिंग को किस तरीके से करो ताकि वो एक रियल ट्रेड आपको महसूस हो। लेकिन दोस्तों आप पेपर ट्रेडिंग के इस वीडियो देखने से पहले भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और आपने सुना होगा कि पेपर ट्रेडिंग से आपको साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती है, पेपर ट्रेडिंग किसी काम की नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सारे झूठ है। देखो दोस्तों, जो पैसे वाले हैं ना, वो अगर 10 लाख रुपए भी अकाउंट में डाल के ट्रेड करेंगे ना तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन एक गरीब अगर पेपर ट्रेडिंग को ये मान के भी करेगा ना कि उसके रियल मनी है, तब भी उसको साइकोलॉजी अच्छी से महसूस होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस चीज को ना आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो दोस्तों क्रिकेट है, क्रिकेट में क्रिकेटर डायरेक्ट आके कोई फास्ट बॉलिंग थोड़ी खेलता, वो पहले स्लो बॉलिंग खेलता, धीरे धीरे वो बॉलिंग खेलना धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता, उसके बाद में जाके वो एक फास्ट बॉलिंग खेल पाता, ठीक है दोस्तों। और उसी तरीके से वो पहले प्लास्टिक की बॉल से खेलता। एक छोटा बच्चा होता जब वो एक क्रिकेटर बनना चाहता है ना, तो वो पहले प्लास्टिक की बॉल से खेलता, फिर उसके बाद में रबर की बॉल से खेलता, उसके बाद में वो टेनिस की बॉल से खेलता। इस तरीके से वो अपना लेवल बढ़ाता जाता। दोस्तों उसी तरीके से ना पेपर ट्रेडिंग में होता है। आपको ट्रेडिंग में ना पहले पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसी के बाद में आपको रियल मनी से ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों पेपर ट्रेडिंग बनाई इसलिए गई है ताकि आप अभ्यास कर सको, अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव कर सको। पेपर ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं है कि हर कोई आपको एरा गेरा के बोल दे कि पेपर ट्रेडिंग से कुछ भी नहीं होता। पेपर ट्रेडिंग हकीकत में इफेक्ट करती है अगर आप इसको रियल वे में करोगे। तो मैं आपको इस वीडियो में वही तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि पेपर ट्रेडिंग में आप क्या क्या गलतियाँ करते हो, ठीक है, और उन गलतियों को आप कैसे इम्प्रूव करोगे, तब जाके आपकी पेपर ट्रेडिंग ना स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो आपकी तकरीबन 5-6 मिस्टेक्स हैं, उनको पहले हम दूर करेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर ट्रेडिंग कितने दिनों तक करनी चाहिए, उसके बाद में आपको पेपर ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम वीडियो को लेवल्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पेपर ट्रेडिंग की आपकी सबसे पहली मिस्टेक ये है कि आप ना प्रॉफिट को होल्ड करते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि अगर हम प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से एक साइकोलॉजी को अपने डेवलप कर लेंगे, किस तरीके से हम ट्रेडिंग को इम्प्रूव करोगे। लेकिन जी हाँ दोस्तों, आपकी ये एक मिस्टेक ही है। आप जब प्रॉफिट को होल्ड करते हो ना, तब आप एट दी एंड जाके प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि आपकी उसमें साइकोलॉजी लगी हुई नहीं है उन पैसों में, तो वो आपके चलता जाएगा। अगर लॉस भी होगा तब आप एग्जिट नहीं करोगे और वो प्रॉफिट चलता ही जाएगा। उस वजह से आप पेपर ट्रेडिंग में ना हमेशा से प्रॉफिट में ही रहते हो। लेकिन इस वीडियो के बाद में ना आप पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट में नहीं रहोगे, ठीक है। अब दोस्तों दूसरे नंबर की आपकी मिस्टेक आती है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग मतलब आपका रियल मनी तो है नहीं, तो आप लगे रहते हैं किसी के बाप का पैसा तो है नहीं कि 2 ट्रेड 4 ट्रेड 5 ट्रेड ले लिए, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा से पेपर ट्रेडिंग में मात्र 2 ट्रेड या मात्र 1 ट्रेड, इससे ज़्यादा ट्रेड आपको लेना ही नहीं है। जब आप ये साइकोलॉजी डेवलप कर लोगे ना, एकदम खतरनाक वाला माइंडसेट कि मुझे पेपर ट्रेडिंग में मात्र 2 ट्रेड लेने हैं, ठीक है, उसी की वजह से आप जाके एट दी एंड पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहोगे और पेपर ट्रेडिंग में आप रियल तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके तीसरे नंबर की मिस्टेक आती है कि आप पेपर ट्रेडिंग को ना रियल ट्रेडिंग समझते ही नहीं। आपने मेरे को कभी भी पेपर ट्रेडिंग के बारे में पूछा होगा ना, तो मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि पेपर ट्रेडिंग करने से पहले आप कम से कम 10 बार कॉपी में लिखा करो कि मैं रियल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं रियल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं रियल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इससे आपके दिमाग में ना सबकॉन्शियसली ये फिट हो जाएगा कि आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ ना रियल ही महसूस होगी। अब दोस्तों जो लास्ट मिस्टेक है ना, बस यही लास्ट मिस्टेक है जिसकी वजह से आपकी पेपर ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी, और मैं इस ही तरीके से करता था, ठीक है दोस्तों। और इस लास्ट मिस्टेक के 2 लेवल होंगे, ठीक है। तो लास्ट मिस्टेक ये है कि आप रिस्क रिवार्ड मेंटेन ही रखते हो पेपर ट्रेडिंग में, ठीक है। तो पेपर ट्रेडिंग में ना आपको रिस्क रिवार्ड मेंटेन रखा, ठीक है। इसके 2 लेवल है। पहला लेवल है 1:1 का, ठीक है। दूसरा लेवल है 1:2 का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग में ना 1:1 का सबसे हार्ड लेवल चूज करना होगा, ठीक है। हार्ड लेवल में देखो मैं किस तरीके से पेपर ट्रेडिंग करता था, ठीक है। पहले आप वो तरीका देख लो।
अब दोस्तों वीडियो को ना आप ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ ना, बस मैं उसी तरीके से ट्रेडिंग करता था और मेरी ट्रेडिंग ना बिल्कुल रियल होती थी, और आपको भी ना इसी तरीके से करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेरा जो पहला लेवल होता ना, सबसे हार्ड लेवल 1:1 का, मतलब कि अगर अगर मैं 5 रुपये का ऐसा ले रहा हूँ ना, तो मैं 5 रुपये का ही टारगेट लेता था। ये सबसे हार्ड लेवल है, मैं इसी तरीके को पहले करता था, ठीक है। तो मेरे को ये कैंडल दिखी, मान लो कि ये कैंडल कितने बजे की भाई साहब, ये कैंडल 14 सितंबर की 2 बजे की कैंडल, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर मेरे को ये हैमर कैंडल बनी, तो इस कैंडल की क्लोजिंग में 20 सेकंड बचती थी ना, 20 सेकंड का मैं अंतराल रखता था कि जैसे ही इस कैंडल को, मान लो कि ये कैंडल अभी चल रही है कि मिनटों में चल रही है, और इसको मतलब कि ये कैंडल मान लो कि 4 मिनट होके और 40 सेकंड हो चुकी है, ठीक है। तो मैं अब मेरे पास 20 सेकंड बाकी है 5 मिनट होने में, ठीक है। ऐसा बनते ही मैं ऑप्शन का चार्ट खोल लेता था, ठीक है। तो ये रहा मेरा ऑप्शन का चार्ट। तो ये कितने बजे की कैंडल है, 14 सितंबर की 2 बजे की कैंडल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले ही देख लेता था कि इसका हाई कितना है, इसका हाई है 82 रुपये, ठीक है। तो मैं 82 की जगह 83 रुपये पर, ठीक है, 82 नहीं लेता था मैं, 83 रुपये पर मेरा मार्केट का ऑर्डर लगा देता था, ठीक है। अब मैं ऑर्डर कहाँ पे लगाता था भैया, मैं ऑर्डर लगाता था मेरी कॉपी के अंदर, मैं पेन से लिखता था कि मैंने भैया 83 रुपये पर मेरी एंट्री बनानी है मेरे को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 83 रुपये पे मेरी एंट्री बना लेता था इस तरीके से, कहाँ है 83 रुपये, तकरीबन इस तरीके से, ठीक है। और मेरा एसएल इसका देख लेता था, मेरी कैंडल ये कितने की है, 10 पॉइंट की, ठीक है। तो मेरा पहला लेवल कितना है भैया, 10 पॉइंट का, ठीक है। तो 10 पॉइंट का मेरा एसएल है, और मैं 10 पॉइंट का ही मैं टारगेट लेता था, यही मेरा रूल था, ठीक है। तो मैं 10 पॉइंट देख लेता था कि वो कहाँ पर है, 10 पॉइंट यहां तक है, ठीक। जैसे ही 10 पॉइंट हुआ, मैं एग्जिट कर देता था मेरी पोजीशन को। तो मैंने कॉपी में लिख लिया 10 पॉइंट का एसएल और 10 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। ये मेरा एक ट्रेड हो गया। तो मैं इस तरीके से कॉपी में लिख लेता था, और तारीख वाइज भी मैं लिख लेता था। तो जब मैं इस तरीके से, अब मार्केट चाहे कितना ही बढ़ो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, मैं मुझे मेरा काम हो गया, 10 पॉइंट का एसएल और 10 पॉइंट का मैंने टारगेट ले लिया, ठीक है। अब मेरा पहला ट्रेड हो गया। तो मेरा पहला ट्रेड होने के बाद में, पहले ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 10 पॉइंट मिल गए मेरे को। फिर मैं उसके बाद में अगला ट्रेड लेता था। तो ऐसे करके मैं दिन में 2 ट्रेड लेता था, ठीक है। फ्राइडे को मैं ट्रेडिंग नहीं करता था, फ्राइडे को भैया बिल्कुल अवॉइड था। तो मैं ट्रेडिंग किस दिन करता था, मैं टोटल ना 15 दिन ट्रेडिंग करता था। मान लो एक दिन किसी दिन की छुट्टी आ गई, तो मैं 15 दिन ट्रेडिंग करता था, और 15 दिन में ना 1:1 का टारगेट रखता था, 1:1 का, कितना भी हो वो 1:1 कितना भी। तो इस तरीके से मैं 15 दिन ट्रेडिंग करता था, टोटल मेरे 30 ट्रेड होते थे, ठीक है। अगर अब मैं इस पेपर ट्रेडिंग में मैं ये करने लग जाऊँ ना कि मैं 1:1 का टारगेट ना लूँ, 1:2 का ले लूँ, या अनलिमिटेड टारगेट लूँ, तो मैं भैया पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट में ही रहूँगा। तो आपको भी ना इसी तरीके से पेपर ट्रेडिंग करनी है। अब देखो, अब मुझे पता नहीं है कि ऐसा कौन सा ऐप है पेपर ट्रेडिंग का जिसमें आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, और भाई लोगों की भी मदद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा ऐप है जिसमें मात्र आप स्टॉप लॉस ही लगा सकते हो, तो आपको स्टॉप लॉस तो लगा लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा ली, अब आपको टारगेट ना, टारगेट जैसे ही हुआ 1:1, 1:2 का, आपको एग्जिट कर देना है, और आपको वो एंट्री जाके कॉपी में लिख लेनी है, ठीक है। तो मैंने इतने का ऐसा लिया था और इतने का टारगेट, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट बाद में गुणा कर लेना है, कि मान लो आपने 5 पॉइंट लिए ना निफ्टी में, तो 50 से गुणा कर दो, आपको 250 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें तो बाद में देख लेना आपको करना है या नहीं करना, लेकिन आपको शुरुआत में 1:1 इस तरीके से करना है। अब अगर मान लो मुझे 1:2 लेना, तो मैं यहाँ पे 20 पॉइंट का ले लूँगा इस तरीके से। तो 20 पॉइंट कहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए 20 पॉइंट, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर 20 पॉइंट का ही टारगेट लू लूँ। अब मुझे कॉपी में मात्र 20 पॉइंट ही लिखने, अगर मेरा टारगेट हिट हो गया तो 20 पॉइंट तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं ऐसा लिख लूँगा कि मुझे 10 पॉइंट का आज एसएल हो गया। तो इसी तरीके से मैं पेपर ट्रेडिंग करता था और आपको भी ना इसी तरीके से पेपर ट्रेडिंग करनी है। अगर आप इसके अलावा और कोई दूसरा मेथड फॉलो करोगे ना तो मैं सही बता रहा हूँ, आप पेपर ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन आप इस तरीके से करोगे ना तो आपको मंथ के एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपकी विनिंग एक्यूरेसी 50% है या आपकी एक्यूरेसी 60% है। ठीक है, आपको इसी तरीके से पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, जब आप इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना तो आपकी साइकोलॉजी भी इसी के अंदर होगी कि भैया मेरे को कहीं पे लॉस ना हो जाए, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर भी रहेगा दिमाग के अंदर। ठीक है, तो आपको यही तरीका फॉलो करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने जिस तरीके से मैं पेपर ट्रेडिंग करता था ना वो तरीका आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब आपका लास्ट पॉइंट है कि आपको पेपर ट्रेडिंग कितने दिनों तक करना है। ठीक है दोस्तों आपको पेपर ट्रेडिंग ना एटलीस्ट 6 मंथ तक करना है, क्योंकि इन 6 महीनों तक ना आप मेरे ही वीडियो थोड़ी देखोगे। मेरे को पता है आप मेरे ही वीडियो नहीं देखोगे, आप औरों की वीडियो भी देखोगे, आपको और चीज़ें भी सीखने की मिलेगी। ठीक है, मेरे से अच्छे भी बहुत से टीचर हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो और भी चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी, तो आप उन चीज़ों को भी लगाओगे, तो ऐसे करके आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे ना इम्प्रूव होती रहेगी। ठीक है, तो आपको कम से कम तो 6 महीने तो पेपर ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको रियल मनी लाना, और रियल मनी से एक लोट से आपको 1 साल तक करना है ट्रेडिंग। ठीक है, और वो कैसे करना उसके लिए मैं आप अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।